गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, सेंट जेवियर स्कूल ना ई क्लास मा हूं जिग्ना जेठवा आप सब हार्दिक स्वागत करू छु। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 8 ई विषय संस्कृत मा पाठ 6 विनोद पदानी, विनोद पदानी એટલે કે મનોરંજન કરનારા શ્લોકો, મનોરંજન કરનારા શ્લોકો તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। આગળ આપણે પાઠ 5 નો અભ્યાસ કર્યો હતો। पाठ 5 तो કયો પાઠ હતો? શિલાયામાં પ્રવાસ કરો, શિલાનો પ્રવાસ, તેના વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો કે શિલા ક્યાં પ્રવાસ કરવા માટે ગઈ હતી, ત્યાં એના મમ્મીએ ફોન કર્યો ત્યારે તેના મમ્મી સાથેનો તેનો શું હતો? સંવાદ હતો, વાર્તાલાપનો સંવાદ હતો, કોના ઉપર? ફોન ઉપર। પણ આજે હવે આપણે નવા પાઠ વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ જેનું નામ છે વિનોદ પદાની, એટલે કે મનોરંજક શ્લોકો। પાઠ 6 વિનોદ પદાની એટલે કે મનોરંજન કરનારા શ્લોકો, મનોરંજન કરનારા શ્લોકો વિનોદ પદ્યાની। સૌ પ્રથમ આપણે અહીં પહેલું વિનોદ પદ્યાની એટલે કે મનોરંજન કરનારા શ્લોકો જોઈએ। સદા વક્રી સદા ક્રૂર, સદા વક્રી સદા ક્રૂર, कन्या राशि स्थिति है सदा, कन्या राशि स्थिति है सदा। सदा पूजां पेक्षते जामाता दशमो ग्रह है, सदा पूजां प्रेक्षते जामाता दशमो ग्रह है। अनुवाद करिए, हमेशा वाको, हमेशा क्रूर अने हमेशा कन्या राशि में रहेलो ते हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा राखे छे। आथी जमाई दसमो ग्रह छे। जमाई ने केवो ग्रह कहेवामां आव्यो छे? दसमो ग्रह कहेवामां आव्यो छे। त्यार बाद बीजू जोईए मनोरंजन करनार श्लोक, टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तप, टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तप। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टक टका यते, यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टका यते। शू कहे छे? कहे छे पैसा धर्म छे, पैसा कर्म छे, पैसा ज श्रेष्ठ तप छे। जेना हाथ में पैसा नथी ते बजार मा भटक्या करे छे, जेना हाथ मा पैसा नथी ते बजार मा भटक्या करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे पहेलू अने बीजू विनोद पद्यानी नो अभ्यास कर्यो। आगळ जोईए त्रीजू, घटम विद्यात पटम छिंद्यात,
घटम विद्यात पटम छिद्यात कुर्यादास भरोहणम कुर्यादास भरोहणम। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवते येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवते। शू कहे छे के गडो फोड़ी नाखवो गडो फोड़ी नाखवो वस्त्र फाड़ी नाखूं वस्त्र फाड़ी नाखूं गधेड़ा ऊपर सवारी करवी गमे ते रीते पुरुषे प्रसिद्ध थऊं गमे ते रीते पुरुषे प्रसिद्ध थऊं। त्यारबाद चौथू उष्ट्राणाही विवाहेषु उष्ट्राणाही विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः अहो ध्वनिः। अनुवाद करिए खरेखर ऊँटोना विवाह प्रसंगों में गधेड़ाओ गीत गाए छे खरेखर ऊँटोना विवाह प्रसंगों में गर्दभा एटले के गधेड़ाओ गीत गाए छे तेओ एक बीजाना वखाण करे छे वाह केवो सुंदर रूप छे वाह केवो मधुर आवाज छे। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों पांचमू अने छठू विनोद पद्यानी पांचमू सौ प्रथम आपणे जोईशुं पांचमू जोईए कन्या वरयते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम कन्या वरयते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम बांधवाह कूल मिच्छन्ति बांधवाह कूल मिच्छन्ति मिष्टान मित्रे जनाः मिष्टान मित्रे जनाः। अनुवाद करिए कन्या रूप ने माता धन ने अने पिता भणतर ने पसंद करे छे अने पिता भणतर ने पसंद करे छे बांधवाह कूल मिच्छन्ति मिष्टान मित्रे जनाः सगा वाहला ऊँचू कूड़ अने बीजा लोको मिठाई इच्छे छे सगा वाला ऊँचू कूड़ अने बीजा लोको मिठाई इच्छे छे। हवे आपणे छठू जोईए वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानी च प्राणान धनानी च। शू कहे छे हे यमराजना भाई महान वैद्य डॉक्टर हे यमराजना भाई महान वैद्य वैद्य एटले के डॉक्टर तने नमस्कार। यम तो प्राणो हारी ले छे ज्यारे वैद्य प्राणो अने धन संपत्ति बन्ने हरी ले छे यम तो प्राणो हरी ले छे જ્યારે વૈદ્ય એટલે કે ડોક્ટરો પ્રાણો અને ધન સંપત્તિ બંને હરી લે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પાઠ 6 માં 6 વક્રોક્તિઓ 6 એકથી 6 વક્રોક્તિઓનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। થેન્ક યુ।